फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे किसी भी टेक्स्ट का आउटलाइन कैसे बनाया जाता है। आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि आउटलाइन बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है फोटोशॉप में, तो चलिए सीखते हैं। यहाँ से टाइप टूल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा आउटलाइन। कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा, लेकिन एक चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखें, जब भी आप आउटलाइन बनाएं किसी भी टेक्स्ट का तो दो लेटर के बीच में स्पेसिंग आप ज़्यादा कर लिया करें। जैसे मैं यहाँ पर स्पेसिंग कर देता हूँ कम से कम 50। ये स्पेसिंग कर लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि देखने में वो अच्छा लगेगा। अब उसके बाद हम लोग कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल के अंदर क्लिक करेंगे तो इसका सिलेक्शन बन जाएगा। अब ये सिलेक्शन बन जाने के बाद हम लोग आएंगे सेलेक्ट में, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मॉडिफाई का, मॉडिफाई के अंदर एक ऑप्शन होगा एक्सपैंड का, इस पर आप क्लिक करिए और कम से कम 15-16 पिक्सल के आसपास इसको बढ़ा दीजिए। मैं यहाँ पे 15 पिक्सल बढ़ा देता हूँ। अब ये आउटलाइन हमारा तैयार हो गया है, सिर्फ हमें बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर ओपन कराना है। यहाँ पे लेयर ओपन कराएंगे और उसके बाद इसमें कोई भी कलर फिल कर देंगे। फिलहाल मैं फोरग्राउंड कलर फिल कर देता हूँ। अब उसके बाद कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक यूज़ करेंगे। स्ट्रोक का कलर वही यूज़ करेंगे जो हमने टेक्स्ट का कलर यूज़ किया है। स्ट्रोक का साइज़ यहाँ पे हमने 3 पिक्सल्स रखा है, आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। और इस तरह से हम लोग क्लिक करेंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, मूव टूल पर जाएंगे और जितना बड़ा हमें बनाना है उतना बड़ा इसे हम लोग बना सकते हैं। ऐसे ये आउटलाइन तैयार हो गया। तो इस तरह से किसी भी टेक्स्ट का आउटलाइन आप लोग बना सकते हैं। तो आई थिंक इससे काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोगों को। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।